हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे यूज़र से कैसे हम डेटा एक्सेप्ट कराते हैं। पिछले प्रोग्राम में आपने देखा था कि कैसे हम फर्स्ट प्रोग्राम रन करेंगे सी प्रोग्रामिंग में। आज हम सीखेंगे कि यूज़र से डेटा कैसे एक्सेप्ट कराते हैं। डेटा बहुत इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपका जो पूरा प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। मतलब यूजर आपका डेटा इनपुट करेगा, वो आपका प्रोसेस होगा, देन इसका आउटपुट आएगा। जैसे डेटा आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 5 आपका डेटा हो गया, ये इनपुट होगा। प्रोसेस क्या होगा, 5 × 5। आउटपुट क्या आएगा आपका, 25। मतलब यूज़र 5 एंटर करेगा, हम उसका स्क्वायर करेंगे और आउटपुट क्या आएगा आपका, 25। ठीक है, तो अब ये इनपुट कैसे होगा सी में, के आपको ये सीखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, वी यूज़ स्कैनफ फंक्शन। बेसिकली वी कैन एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूज़र यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। तो ये स्कैनफ फंक्शन जो है आपका, ये आपको हेल्प करता है यूज़र से डेटा एंटर कराने में। इट रीड्स द स्पेसिफाइड डेटा, मतलब स्पेसिफाइड डेटा का मतलब हो जाता है इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके डेटा होते हैं। तो इट रीड द स्पेसिफाइड डेटा फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इट एट द एड्रेस ऑफ स्पेसिफाइड वेरिएबल। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ये एड्रेस ऑफ क्या होता है और इसे हम कैसे स्टोर करते हैं। अभी आप इतना देखो, पहले आप स्कैनएफ का जो सिंटेक्स है वो ये है, स्कैनफ इन्वर्टेड कॉमा परसेंट एक्सेस स्पेसिफाई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एंड वेरिएबल नेम। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा फिर से यहाँ लिख देता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्कैनफ इन्वर्टेड कॉमा परसेंट एक्सेस स्पेसिफाई, तो कॉमा एंड परसेंट वेरिएबल नेम। तो ये एक सिंटेक्स होता है, ये स्कैनर फंक्शन आपका डेटा एक्सेप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, जैसे अगर आप करेक्टर डेटा एंटर करा रहे हो तो यहाँ परसेंट सी लगेगा, अगर आप इंटीजर डेटा एंटर करा रहे हैं तो परसेंट डी लगेगा, फ्लोट करा रहे हैं तो परसेंट एफ लगेगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। अब यहाँ कॉमा इसके बाद एंड लगा हुआ है, एंड क्या करता है, ये एड्रेस ऑफ, ये आपका एड्रेस ऑफ बेसिकली ऑपरेटर है। यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो जो वेरिएबल होगा उसके एड्रेस पे जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये वेरिएबल सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरिएबल। वेरिएबल इट इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर द एक्चुअल डेटा विल स्टोर। तो होता क्या है कि जैसे आप देखो, डेटा आपका कहाँ से एंटर होता है, कीबोर्ड से। ये आपका कीबोर्ड से डेटा आप एंटर करोगे। ठीक है, अब डेटा कहाँ जाएगा आपका, प्रोसेस होने रैम प्लस सीपीयू के अंदर। ठीक है, और आउटपुट कहाँ आएगा आपका, मॉनिटर के ऊपर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा एंटर हो रहा है 5, उसके लिए आपको रैम में जगह बनानी पड़ेगी। तो जगह बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। तो जो वेरिएबल होता है आपका, वेरिएबल का फुल फॉर्म देखिए आप, वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो सकता है। एबल, एबल का मतलब उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो वेरिएबल चेंज हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाए उसमें। तो वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं, डेटा टाइप इस तरह से, डेटा टाइप वेरिएबल का नाम सेमी कोलन। तो जैसे आपको लेट कर लो किसी का, आपको नंबर स्टोर करना है, तो इंट डेटा टाइप हो जाएगा और एन एक वेरिएबल हो गया। तो होता क्या है कि आपका जो रैम होती है, रैम आपकी काफ़ी बड़ी होती है, लगभग 2 GB की रैम होती है आपकी। ये रैम है आपकी, लगभग लगभग 2 GB की रैम है। उस रैम के अंदर आपका क्या होगा, छोटा सा एक जगह बन जाएगा
जिसका नाम होगा एन, ठीक है, और इसका एक एड्रेस होता है, एड्रेस मान लो 7702 है, तो ये इसका एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पर क्या स्टोर होगा, डेटा जो खाली जगह है, और यहाँ पर क्या है, ये जो एन दिख रहा है ये इसका नेम है, तो ये यूजर फ्रेंडली है, नेम आपका जो रहता है वेरिएबल का नाम, ये यूजर फ्रेंडली, हम इसको याद कर सकते हैं कि ये एन जो है आपका वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डेटा स्टोर कराना है, तो डेटा स्टोर कैसे होगा, कीबोर्ड से हम लोग क्या करेंगे, फाइव एंटर किया, अब ये फाइव इसके अंदर जा रहा है रैम के अंदर, ठीक है, ये कीबोर्ड से वैल्यू गई, जैसे बोल लो आप कीबोर्ड से वैल्यू जा रही है आपके किसके अंदर, रैम के अंदर। अब रैम के अंदर गई तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि उसको यहीं पे स्टोर करना है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, ये एंड लगा देते हैं, इस एंड को क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का काम है कि इस वेरिएबल के एड्रेस पे जाके वैल्यू स्टोर करना, तो ये फाइव जाएगा और यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा, इसीलिए आपका एंड इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था ये कि इट रीड द स्पेसिफाइड डेटा फ्रॉम यूजर, यूजर का मतलब कीबोर्ड से, एंड स्टोर इट एट द एड्रेस ऑफ स्पेसिफाइड वेरिएबल, जो आपने वेरिएबल लिया होगा उस वेरिएबल पे जाके उसके एड्रेस पे जाके स्टोर कर देगा, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, इट इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर द एक्चुअल डेटा विल स्टोर, ये समझ में आ गया होगा, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन मतलब ये एक मेमोरी लोकेशन है आपकी 7702, ठीक है, उसका नाम क्या है आपने रखा एन, तो नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर द एक्चुअल डेटा, डेटा क्या है, ये है, ये आपका डेटा हो गया एक्चुअल डेटा, ठीक है, तो ये डेटा आपका स्टोर हो रहा है जाके यहाँ पर, ठीक है। अब सिंटेक्स मैंने बता दिया, एग्जांपल भी मैंने बता दिया, डिफरेंट टाइप का वेरिएबल इंटीजर फ्लोट होता है। अब इसमें डेटा टाइप, ये जो आप देख रहे हो हेडिंग डेटा टाइप, ये डेटा टाइप क्या होते हैं बेसिकली, जैसे आप इसमें ये देखो नेक्स्ट जो पॉइंट आया ये डेटा टाइप का आया, तो वर्डिंग समझ में आ रहा है, डेटा का क्या टाइप होगा वो कौन बताता है, डेटा टाइप, डेटा टाइप स्पेसिफाई क्या स्पेसिफाई करता है कि किस तरह का डेटा आपका इस वेरिएबल के अंदर आएगा, विच टाइप ऑफ डेटा स्टोर अ वेरिएबल कैन स्टोर, ठीक है। तो ये इसका देखो आपको लिखा हुआ है कि डेटा टाइप क्या होता है बेसिकली, इट इज द कीवर्ड, ये कीवर्ड होता है विच इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, वेरिएबल को डिक्लेयर करने में या बनाने में ये हेल्प करता है। देयर आर फाइव बेसिक डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के अंदर पांच बेसिक डेटा टाइप होते हैं, तो पहला डेटा टाइप है आपका देखो कैरेक्टर, साइज 1 byte मतलब मेमोरी में ये 1 byte का स्पेस लेता है, रेंज आपकी प्लस माइनस 127 होती है, तो 128 टू 127 प्लस माइनस 127 बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर परसेंट सी, तो ये देखिए ये एक्सेस स्पेसिफायर जो मैंने आपको बताया कि परसेंट सी, जब आप करेक्टर डेटा एंटर कराएंगे तो परसेंट सी लगाएंगे, सेम इस तरह से इंटीजर होता है ये मेमोरी में 2 byte का स्पेस लेता है, रेंज आपकी ये होती है प्लस माइनस 30767, ठीक है। फ्लोट 4 byte का स्पेस लेता है, ये इसकी रेंज है परसेंट एफ, मतलब हम लोग परसेंट एफ का यूज करेंगे स्कैनर में। डबल आपका 8 byte का होता है, इसका रेंज आपका ये है परसेंट एल एफ लगाएंगे हम इसको, और लास्ट है आपका वाइट, ना तो इसका कोई साइज होता है, रेंज भी नहीं होता है, और उसका एक्सेस स्पेसिफायर भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये समझना होगा, जैसे नए स्टूडेंट्स जो रहते हैं, जैसे करेक्टर 1 byte का है तो ये रेंज क्या है बेसिकली, तो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो आपने एक करेक्टर वेरिएबल बनाया, आपने वेट कर लो, आपने एक करेक्टर वेरिएबल बनाया करेक्टर सी एच, तो क्या होगा, रैम के अंदर आपका एक वेरिएबल बनेगा सी एच, ये एक सी एच, ठीक है, ये आपकी रैम है, बहुत बड़ी रैम होती है, ये आपकी रैम हो गई, ठीक है। अब ये जो साइज होगा इसका, इसका साइज क्या होगा, 1 byte का साइज होगा, मतलब ये टोटल जो आपका यहां से लेके इस पॉइंट से लेके आपका इस पॉइंट तक आपका जो साइज होगा कितने का होगा, 1 byte का होगा,
अब आपको बताया इसमें कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मतलब 8 बिट्स होते हैं, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इस तरह से ये 8 बिट्स के आपका होगा। लेट कर लो आपने क्या किया, इस सी एच के अंदर एक करेक्टर डेटा एक्सेप्ट किया, मतलब स्टोर कराया, मान लो आपने ए स्टोर किया। याद रखना जब भी आप कोई करेक्टर डेटा एक्सेप्ट करोगे तो सिंगल कोट्स में देंगे, ठीक है। तो ये करेक्टर डेटा ए, जब आप करेक्टर डेटा एक्सेप्ट मतलब स्टोर करते हैं उसके अंदर, तो इस ए का क्या होता है, एक ASCII नंबर होता है, इसकी ASCII वैल्यू होती है। तो जो स्मॉल ए है इसकी ASCII वैल्यू होती है 97, स्मॉल बी की होती है 98, इस तरह से ही बढ़ती जाती है। कैपिटल ए की होती है आपकी 65, इसी तरह से बी की होती है 66, और ये बढ़ती जाती है। तो आपका आपने ए स्टोर किया, तो ए स्टोर नहीं होता है बेसिकली, इसके अंदर जाता है 97, ठीक है। तो अब इसमें जा रहा है क्या, 97 किसके अंदर, सी एच के अंदर। अब आपको मैंने बताया रेंज क्या होती है, प्लस माइनस 127, मतलब 1 बाइट के अंदर कितना बड़ा डेटा स्टोर हो सकता है, 127। तो यहाँ पे देखो आपकी इसकी वैल्यू क्या है, 97, ठीक है। और जो करेक्टर की जो रेंज होती है वो होती है प्लस माइनस 127, इतना बड़ा आप डेटा स्टोर कर सकते हो। तो 97 आपका रेंज में आ गया 127, तो ये आपका 97 इसमें स्टोर हो जाएगा। 97 स्टोर कैसे होता है, 97 का आप बाइनरी में कन्वर्जन करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 1100001, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करके देखोगे तो इसी तरह से आएगा, जैसे 97 है आपका, इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 448, तो यहाँ 1 बचे। फिर 2 से करोगे तो 0, फिर 2 से करोगे तो 12, 0, फिर 2 से आप करोगे तो 6, 0, फिर 2 से आप करोगे तो 3, 0, फिर आप 2 से करोगे तो 1, यहाँ 1 बचेगा, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर 0, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ये मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड रहता है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड हम ऐसे लिखते हैं। तो ये 1 1 इस तरह से लिखा हुआ ना, देखो ये आपका इस तरह से हम लिखना स्टार्ट करते हैं ऐसे, तो 1100001, तो ये आपका इसका एक बिट्स वैल्यू है। तो ये वैल्यूज जो होंगी आपकी कहाँ, इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ देखो आपका आएगा 1, यहाँ 0 0 0 0 1 1, और यहाँ पर ये जो ये वाली जो बिट रहती है बेसिकली, जो 8 बिट्स होती हैं इसमें, जैसे 1 बाइट में आपका क्या होता है, इसमें यहां तक की जो बिट्स होती हैं इसको बोलते हैं डेटा बिट, और ये वाली जो बिट होती है इसको बोलते हैं हम लोग साइन बिट, ठीक है। तो अगर आपका पॉजिटिव नंबर है तो 0 आएगा, 0 किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर है 97, ये बेसिकली क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ आएगा आपका 0। अगर माइनस में 97 होता तो आपका आता 1, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से नंबर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो आपके नंबर्स होते हैं आपके, सॉरी करेक्टर्स होते हैं करेक्टर में, वो टोटल होते हैं आपके 255 करेक्टर, 255 करेक्टर ASCII करेक्टर्स होते हैं, आपको ध्यान रखना। जो टोटल 255 ASCII करेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो हम लोग बेसिकली अल्फ़ाबेट्स वगैरह डिजिट्स वगैरह यूज़ करते हैं वो आपके 127 में स्टोर हो जाते हैं। जैसे आप 0 भी कोई स्टोर करते हो कोई नंबर, तो उसका ASCII वैल्यू 48 होता है, 1 होता है तो उसका 49 होता है, तो इस तरह से आपको ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो करेक्टर्स आपके इसी रेंज में आ जाएंगे, जो हम लोग के ह्यूमन रीडेबल जो करेक्टर्स हैं,
कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, जैसे इस तरह का हार्ट शेप होता है, ठीक है, इस तरह के आपका इस तरह से सिंबल्स होते हैं, ऐसा ये ऐसा सिंबल होता है, हार्ट शेप का सिंबल होता है, कुछ आपका इस तरह से सिंबल होते हैं, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्या है, ऐसे करेक्टर्स हैं जो हमारे नॉर्मल जो राइटिंग जो करेक्टर्स हैं जो हम लोग लिखने में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपके इस रेंज में आ जाते हैं 127 में, ठीक है। तो मैं आगे प्रोग्राम बताऊंगा, लूपिंग में एक प्रोग्राम है जिसमें हम एक लूप चलाते हैं 0 से 255 और उसके सारे करेक्टर्स हम प्रिंट करा के दिखा देंगे आपको कि उसमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। देखो मैं बता भी देता हूँ आपको, मैं साइट पे बता देता हूँ टोटल, ठीक है, 0 से 255 करेक्टर्स होते हैं और इसका मैं इमेज आपको बताता हूँ, देखो शायद आपको इमेज में मिल जाए आपको, ठीक है, ये देखिए ये आपके करेक्टर्स हैं टोटल इसमें, थोड़ी आगे 128 तक दिया हुआ है, जैसे इसमें 0 से 1 मिनट, ठीक है, ये देखिए ये आपका इस तरह से, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जैसे 0 से लेकर 255 तक इसमें जो करेक्टर्स हैं, इसलिए इसमें 177 तक दिया हुआ है, इसमें देखिए जैसे ए है आपका स्मॉल ए, बेसिकली 65 पे देखो आप, 65 पे देखिए आपका स्मॉल कैपिटल ए है, ठीक है, 97 पे स्मॉल ए है आपका, इसी तरह से और भी जो सिंबल्स हैं आप देख रहे होगे, प्लस हैज इस तरह की, और जो सिंबल्स हैं इसकी सबकी एक अलग एस्काई वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप इसको मतलब नेट पे देख लेना आप, तो इतने ये करेक्टर्स होते हैं आपके, स्काई करेक्टर्स इसको बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है, मतलब जैसे इंटीजर 2 बाइट का है तो उसमें एक टोटल नंबर ऑफ करेक्ट जो बड़ा सबसे बड़ा नंबर होगा वो कौन सा स्टोर हो सकता है, 32,767, इतना बड़ा नंबर स्टोर हो सकता है आपका किसमें, जैसे यहाँ देखो आप, जैसे लेट कर लो आपने कोई इंटीजर वेरिएबल बनाया, ठीक है, जैसे आपने कोई इंटीजर वेरिएबल बनाया इंटीजर एन, तो आपको पता है ये कितने बाइट का बनेगा, 2 बाइट का बनेगा, तो 2 बाइट के अंदर कितने बिट्स होती हैं, 16 बिट्स होती हैं, तो 16 बिट्स में क्या होता है, जो 15 बिट होती हैं आपकी, 15 जो बिट्स होती हैं वो डेटा बिट्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो बात हो रही है कि अगर आपकी ये इस तरह से बिट्स होंगी, तो इस तरह से बिट्स होंगी आपकी, ठीक है, 15 बिट्स है मान लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, तो ये आप छोड़ दो आप इसको, ये है। तो होता क्या है कि यहाँ तक की जो बिट्स होती हैं वो डेटा बिट होती हैं। अब इसमें सभी में अगर आप 1 1 स्टोर करो, सभी में आप 1 1 अगर स्टोर करो, ठीक है, और यहाँ 0 पॉजिटिव नंबर के लिए, तो सबसे बड़ा जो नंबर आएगा वो आएगा इतना बड़ा नंबर, उससे बड़ा आप स्टोर नहीं कर सकते, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका इतना ही आएगा, ठीक है। कहने का मतलब आप समझ गए होगे कि जो रेंज है, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज जो यहाँ पर है ये आपकी, ये जो रेंज है आपकी कि आप 2 बाइट के अंदर सिर्फ इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें एक प्रोग्राम है, राइट द प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाया था कि आपको क्या करना है, इनपुट करना है 5, प्रोसेस करना है उसका स्क्वायर और आउटपुट देना है 25, ठीक है। तो अब जो नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा ये आइडिया नहीं होता है कि प्रोग्राम बनाएंगे कैसे,
ठीक है, तो मैं अपने हैंड राइटिंग में मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे कभी भी आप प्रोग्राम जब बनाओ, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, इनपुट क्या कराना है। स्टूडेंट की मेन प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाते हैं इनपुट क्या कराना है, ठीक है, फिर प्रोसेस क्या कराना है वो ये नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, और आउटपुट क्या दिखाना है। तीन चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये चीज तीन चीज़ समझ गए तो आप प्रोग्रामिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका एक्सेप्ट अ नंबर, तो आपका इनपुट क्या कराना है, एक नंबर, ठीक है, और उसको क्या करना है, उसका स्क्वायर करके उसको प्रिंट करना है। तो प्रोसेस स्क्वायर करना है, उसको प्रिंट करना है उसका स्क्वायर, तो सिंपल है। तो इनपुट करना है आपको एक नंबर, वन नंबर, प्रोसेस करना है उसका स्क्वायर, और आउटपुट आपको निकालना है उसका स्क्वायर। तो कॉन्सेप्ट यह है कि जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको पता है हैज इंक्लूड, stdio.h, इस तरह से हैज इंक्लूड, अगेन सेम वाइट मेन, पिछले वाले प्रोग्राम में आपने सीखा होगा वाइट मेन आपको लगाना पड़ता है। अब जितने भी आप वेरिएबल्स बनाओगे, क्योंकि देखो आपको एक इनपुट कराना है और एक उसको प्रोसेस कराना, मतलब उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो आपको दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, इंट एन कॉमा एस, आपको दो वेरिएबल आपको चाहिए, ठीक है। तो एन के अंदर हम डेटा इंटर करेंगे और एस के अंदर उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो सी एल आर एस सी आर। अब होता क्या है कि जैसे इनपुट कराना है, फिर प्रोसेस कराना है, फिर उसका डिस्प्ले करना है, ये सीक्वेंस होता है। तो इनपुट यूजर के सामने, ये प्रोग्राम बेसिकली किसके लिए बना रहे हो, यूजर को, यूजर के लिए, तो यूजर को बताना पड़ेगा आपको कि आपको क्या इंटर कराना है। तो एक मैसेज उसको देना पड़ेगा, एंटर अ नंबर, ठीक है। तो एक मैसेज उसके सामने आ जाएगा। अब स्कैनफ करा के उससे हमें वैल्यू एंटर कराना पड़ेगा, स्कैनफ परसेंट डी, ठीक है। अब इसमें आपको एक नंबर एंटर कराना है, नंबर जो आपका आएगा वो एन के अंदर आएगा, तो यहाँ पर एंड एन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब ये इनपुट हो गया आपका, इनपुट के बाद अब हम इसे प्रोसेस कराएंगे, प्रोसेस का मतलब इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो स्क्वायर के लिए एस इक्वल टू एन इंटू एन, ठीक है। अब ये स्क्वायर हो गया इसका, जो भी नंबर यूजर ने इनपुट किया होगा वो आपका एन में आएगा, उस एन का स्क्वायर किया एस में आ गया। अब इसको प्रिंट एफ कराना है, तो जब हम प्रिंट एफ कराते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, प्रिंट एफ यूजर के सामने आउटपुट कैसे दिखाना है आपको, ठीक है। जैसे मान लो ये आउटपुट आपका चल रहा है, प्रोग्राम चलेगा तो आपको एक मैसेज आएगा, एंटर अ नंबर। अब यूजर ने मान लो यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, ठीक है, अब यूजर ने लेट कर लो 5 एंटर किया, जैसे वो एंटर करेगा तो यहाँ पर उसका प्रोसेस होगा, एन इंटू एन, एस के अंदर वैल्यू आ जाएगी 25। अब 25 प्रिंट होने जा रहा है, अब आप बताओ 25 अगर मैं ऐसा प्रिंट कर दूँ, ठीक है, तो यूज़र को समझ में आएगा ये 25 है क्या, सम है, स्क्वायर है, क्या है, ये नहीं समझ में आएगा ये, ठीक है। तो हम ऐसा प्रिंट नहीं कराएंगे, हम क्या प्रिंट कराएंगे, इस तरह से प्रिंट कराएंगे, स्क्वायर इक्वल टू 25, इस तरह से कि जो नंबर है आपका बेसिकली 25 वो बेसिकली स्क्वायर आ जाए इसका 5 का, ठीक है। या तो हम इस तरह से प्रिंट कराएंगे, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, तो ये थोड़ा सा और एलोबरेट कर दिया कि भाई 5 का स्क्वायर 25 आया, ये थोड़ा सा शॉर्ट मैसेज हो गया। अब आपको डिसाइड करना है कि कैसा आपको प्रिंट कराना है, तो जैसे मैं ऊपर वाला करके दिखाता हूँ, तो आपको क्या करना है, प्रिंट एफ में पहले देना है मैसेज स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर
इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल टू देखिए यहाँ तक आपका प्रिंट हो गया। अब ये 25 जो है बेसिकली ये एस के अंदर है, ये जो एस है आपका, अब ये जो एस है आपका ये बेसिकली इंटीजर है, इंटीजर वेरिएबल है। तो इंटीजर के लिए मैंने बताया था आपको एक्सेस स्पेसिफायर क्या, परसेंट डी, परसेंट डी लगाते हैं, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, किसकी, एस की। तो आपको यहाँ एस लिखना पड़ेगा, एंड नहीं लगेगा, ध्यान रखना एंड नहीं लगाएंगे। एंड हमेशा कहाँ लगता है, स्कैनफ में, ये जो स्कैनफ फंक्शन है स्कैनफ में आपका एंड लगेगा, ठीक है, प्रिंटफ में नहीं लगता है। प्रिंटफ का मतलब क्या हो गया, हम इस एस की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ एस। यहाँ पे क्या है, एड्रेस ऑफ एन, इसको पढ़ते क्या है, एड्रेस ऑफ एन, और इसको पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ एस। तो एस की वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप है, तो इस परसेंट डी लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद गेट सी एच, पिछले प्रोग्राम में आप वीडियो देख लीजिएगा, गेट सी एच का मतलब क्या होता है, ये आपको स्क्रीन पर रोक लेगा, ये प्रोग्राम आपका फिनिश हो गया। तो इस प्रोग्राम से आपका आउटपुट एग्जिट बिल्कुल ऐसा दिखेगा। अगर आपको ये वाला चाहिए आउटपुट, तो आपको प्रिंट एफ लास्ट वाला जो है इसको इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ स्क्वायर ऑफ, यहाँ तक मैसेज आए। अब ये 5 बेसिकली क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो परसेंट डी। फिर आएगा इज, थोड़ा सा स्पेस देके इज। फिर ये 25 भी क्या इंटीजर वैल्यू है, तो इसके लिए भी परसेंट डी आएगा, कॉमा। अभी जो परसेंट डी पहला वाला लगाया था किसके लिए लगाया था आपने, एन के लिए, और दूसरा वाला परसेंट डी किसके लिए लगाया था, एस के लिए, इस तरह से, ठीक है। तो आपने ये सीख लिया आज कि कैसे हम लोग इनपुट कराते हैं और कैसे उसको प्रिंट करेंगे उस मैसेज को, मतलब जो आपने प्रोसेस किया होगा, प्रोसेस का जो आउटपुट आया उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे वीडियोस में हम लोग बात करेंगे, हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स से पहले आपके कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं आपके, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आपका जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है प्रोग्रामिंग में, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, मतलब जब तक कंट्रोल स्टेटमेंट्स का आपको बेस मजबूत नहीं होगा या स्ट्रांग नहीं होगा, तो आगे आप प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। जैसे इफ स्टेटमेंट हो गया, लूपिंग स्टेटमेंट हो गया, स्विच स्टेटमेंट हो गया, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं, आप इस साइट पर जाके आप देख सकते हो, ये आप यहाँ पे ट्यूटोरियल्स मैंने डाल रखे हैं, ई पाठशाला डॉट इन्फो एक साइट है मेरी, इसमें मैंने जैसे नेक्स्ट टॉपिक में डेटा टाइप एंड मॉडिफायर्स डाल रखा है, फिर ऑपरेटर्स डाल रखा है, फिर इफ स्टेटमेंट है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, व्हाइल डू व्हाइल फॉर लूप, स्विच स्टेटमेंट, नेस्टेड लूपिंग, जंप स्टेटमेंट, मतलब यहाँ से लेके आपका बेसिकली ये तो कॉन्सेप्ट हैं, डेटा टाइप एंड मॉडिफायर्स, ऑपरेटर्स, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये जो बेस है, बेस बेसिकली इससे आपका स्ट्रांग होगा, इफ से लेके आपका नीचे यहाँ तक जंप स्टेटमेंट तक। प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स आपके क्या हैं, एसेंशियल प्रोग्रामिंग के कुछ आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, ये आपको आना चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट्स आप अच्छी तरह नहीं सीख पाओगे, तो आगे प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे, ठीक है। देन उसके बाद एरे, टाइप ऑफ एरे, सर्चिंग, शॉर्टिंग, स्ट्रिंग, पॉइंटर, फंक्शन, ठीक है। तो ये एक एक करके मैं इसके वीडियो को एक्सप्लेन करूँगा मैं। आप साइट पर जाके रिटन कंटेंट्स आप यहाँ से उठा सकते हैं, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एग्जांपल्स मैं दे दूँगा इस लिंक्स के ऊपर, इसमें डिफरेंट जितने भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट्स में लिखिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।